इस समय खास खजूरी आम कॉलोनी नगर गली नंबर 15B ब्लॉक में हूँ। यहाँ पर एक ऐसे परिवार में हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर दो लड़कियां हैं और दोनों की दोनों लड़कियां विकलांग हैं। बड़ी लड़की जो सामने नजर आ रही है आपको, ये मुंह से तो जो है दिमागी परेशानी हो तो है ही है, हाथ पैर में ही परेशानी है, प्लस एक लड़की है, इसकी उम्र तकरीबन कितनी होगी इनके माता पिता से मिलते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार दावा करती है कि हमारे यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, अच्छी फ्री की बात करते हैं। आइए मैं आपके सामने पेश करता हूँ, इन अहर खाने से बात कराते हैं हम आपको कि इनके साथ क्या हुआ है और बच्ची किस तरह से बीमार हुई, अस्पताल में इनके साथ क्या गुजरा है, इन्होंने किस तरीके से परेशानी उठाई है। हमारा मकसद किसी सरकार या शासन प्रशासन की बुराई करना नहीं है, बल्कि हमें सरकार को जगाना है, आए सरकार क्या करे। आइए मिलते हैं आपका। मेरा नाम अब्दुल करीम है सर जी। अब्दुल करीम साहब पूरा नाम क्या है, कश्मीरी वगैरह लगाते क्या? नहीं, वो मेरा नाम कहते कश्मीरी जी, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में 40-50 साल से रह रहा हूँ। मैं यहाँ आपकी फैमिली में कितने कौन कितने मेंबर हैं क्या? मेरी फैमिली में सर एक लड़का है, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे विकलांग का, एक बच्चा है छोटे से लड़का है, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो काम मेरा चला सकता है, वो छोटे हैं। तो दो बच्चे विकलांग है, दोनों बच्चों का मुझे दिल्ली गवर्नमेंट से यहाँ दिल्ली हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। एक लड़की का चल रहा है सर 10 साल से, दूसरी लड़की 5-6 साल, 4-5 साल से चल रहा है। ये बच्चा कितनी कितनी उम्र की? एक 17 साल का है, एक 19 साल का है जी, 19 साल का है। समस्या क्या है बच्चे को? बच्चे को समस्या था चलने का सर, हमने बोले चल नहीं पाती, थोड़े देर चलने, हमने फिर प्राइवेट करा, प्राइवेट में ट्रांसफर करा हमें उसी अस्पताल में जो कर रहे थे। कौन सा अस्पताल था? हॉस्पिटल सर, हाँ लिबास हॉस्पिटल, तो सबसे बड़ा दिल्ली में। वहाँ उन्होंने घुमरा करा, हमें पानी निकाल करके घुमरा करा, कभी उधर घुमाया कभी उधर घुमाया, फिर बोला भागो, लॉकडाउन हो गया, फिर बोला भागो, सबको बोला भागो। हमने बोला ये बेटी का मामला है, बेटी बचाओ करते प्रधानमंत्री जी, लोकसभा गृह मंत्री जी भी, तो आप जो भी केजरीवाल की सरकार है तो लंबी लंबी बातें करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ वादा करा हमारी, हमने बहुत कुछ करी मुख्यमंत्री को मिलने के लिए, इनकी विधायक को नहीं मिलने दिया, इनके जो कॉर्पोरेट के जो निगम पार्षद है इनने भी धोखा दिया, फोन कर रहे झूठे फोन कर रहे हैं, इनने भी झूठे बोले हमारे सर, वादा करा तो इनने कोई धोखा नहीं दिए हमारे। बच्ची के इलाज में तकरीबन कितना खर्च आ चुका अब तक? मेरा आया 8 लाख रुपए सर। 8 लाख रुपए का खर्च दिल्ली अस्पताल में आपका आया है, तो क्या प्राइवेट में भी आपने दिखाया है? मैं प्राइवेट ही कर रहा है सर, हम एक हमारे डॉक्टर गुप्ता जी है, वो हमारे समझे भगवान ही है, वो डॉक्टर यहाँ पुष्पा से हटे थे, दो डॉक्टर हमारे पुष्पा हटे प्राइवेट, एक डॉक्टर घर आते हैं सर, वो हमारे पिट्टी बिट्टी मिट्टी बच्ची के करते हैं, तो वो आते घर, तो एक दो डॉक्टर प्राइवेट ही कर रहा है हम लोगों ने, तो इतने हिस्सा भी थे, उन्होंने भी कदम हमारे से अच्छा उठाया है, हमारे लिए भगवान वो भी है, मगर दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें कुछ सहारा नहीं करा। क्या मुख्यमंत्री से आप बच्ची को मसले को लेकर के मिले? हाँ सर, यहाँ का जो MLA उनका पाठक जी है, वो यहाँ इलेक्शन में उठा, यहाँ मेरी से बात हुई, वीडियो उसने बोला मुझे भेज दो, मैंने उसको वीडियो भी भेजा, मैंने उसको डिटेल भी कही और भी लोगों से कहा, और मोनिटी की जो मोनिटी का अफसर है उनको भी कहा। ये करावल नगर विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ का ये खजूरी वो इलाका लगता है ये, तो इसमें यहाँ पे जो विधायक जो है वे तो BJP के हैं करावल नगर से, लेकिन दुर्गेश पाठक जो है वे आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार थे जो कि काफी वोट मिले थे उनको, तो उन्होंने क्या सहयोग किया आपका? जी जब उन्होंने वीडियो ले लिया, सब ले लिया ऋषि काकर, उन्होंने कहा कि आप ठहरने में ठहर गया, फिर हमने बोला भाई साहब हमें मौलाना आजाद में पैसा मांग रहा है, तो उन्होंने कोई हाथ खड़े करे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अपना वोट लिया है ले लिया, बस भाग गया, बस फोटो छपाने लगा, बस कुछ नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा। फिलहाल आपके घर का खर्चा और बच्ची के इलाज का खर्चा कहाँ से और कैसे चल रहा है इसके बारे में बताइए। हाँ, इस बारे में किसी ने किसी राजनेता ने या NGO वालों ने कोई आपकी सेवा की है इसमें? मुझे लोगों ने कुछ मदद करा है, मेरी बच्ची को मदद करा, उनको अल्लाह तला फूट दे, भगवान फूट दे, उन लोगों ने मुझे मदद करा, मैंने बोले जमीन बेचूंगा, मैं थोड़ी सा जमीन था मेरे पास, मुझे अपने रिश्तेदार में अपने लोगों ने बेचने नहीं दिया, मुझे अपने पेंशन भी मिल रहा है, मेरे बच्चे का एक पेंशन मिल रहा है, एक बच्चे का अपनी पहले वाली सरकार से सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस पर हम गुजारा कर रहे हैं और घर से भी कुछ कर रहे हैं हम लोग,
तो कुछ मैं कमल वम और कुछ कपड़े भी बेच रहा था। आपके क्षेत्र में कांग्रेस से पूर्व निगम पार्षद रहे हैं आस मोहम्मद साहब, जैसे कि उन्होंने कोई हेल्प किया आपकी? आस मोहम्मद जी आए मेरे पास, जो आम आदमी का निगम पार्षद है वो नहीं आया, हमारे बच्चे को देखभाल करने के लिए आते हैं, तो वो दो तीन दफा आए हैं, आज भी आना था उनको यहाँ मेरे घर, वो आते हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा। ये आपको दिखलाते हैं बच्चे, एक मिनट इसका कैमरा इधर को लाना। इस बच्चे की जो पोजीशन है वो आप देख रहे हैं, ये पोजीशन है इस बच्चे की, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। इस वक्त ये बच्चा इस कदर बीमार है लड़की, और आपको मालूम है इसकी उम्र के बारे में बतला दिया है, इस बच्चे के हालात के बारे में। बहरहाल ये बच्चे की अम्मा है और ये वालिद साहब है, अभी बड़ी लड़की आ रही है, मैं इसको मुलाकात कराता हूँ। जो तो मेन बीमारी जो थी चारपाई पे जो पड़ी थी बच्चे, उसका क्या कारण था? पानी निकालना था इनके? सर पानी निकाला बस ये कमजोर होते रहना था, फिर इनके उन्होंने बोले दिमाग की जगह रगे कमाए, उन्होंने एक बोली दवा दे दिया वहाँ, फिर हमने प्राइवेट का एक बोली दवा दिया, वो दवा कारगर नहीं थी, बोले रगा रगे इसकी दिमाग की है, वो हमने 4000 का 8000 का वो करवाया अलग, कोरोना का टेस्ट अलग करवाया, प्राइवेट करवाया हमने, उनमें कोई रिच नहीं करा, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं जोड़ा करा, हमने प्राइवेट सब करवाया इलाज इसके टेस्ट वेस्ट। जी तो मैं आपको बतला रहा था इस वक्त जो हालात है वो बतला रहा हूँ मैं, कि ये हालात है आपने देख लिए हैं, और इनके परिवार का जो अकाउंट नंबर है और मोबाइल नंबर है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, और ये किस हालात से गुजरे आप भी जानते हैं। ये परिवार वो परिवार है जो एक समय की रोटी के लिए भी परेशान है, करने वाला कोई नहीं है, ये जरूरी है दोनों के दोनों मियां बीवी प्लस ये जवान लड़कियां सियानी बच्चे हैं ये, और यही हाथ से मुंह से पैरों से विकलांग है, प्लस एक बच्चा है इनका छोटा कल तकरीबन 14-15 साल का, वो कहीं पर काम सीख रहा है। तो मेरा कहने का और आपसे दरख्वास्त यह है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियो को शेयर करें, यदि मेरा यूट्यूब चैनल का आइकन भी आप शेयर ना करें तो वीडियो लोड करके आप शेयर करें, और इनकी परेशानियों को हल जो भी कोई कर सके जिस तरह से भी कर सके तो इनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करके इनके मसले को हल कराने की कोशिश करें, इनकी मदद करें। खुदा हाफिज। जी तो मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ, यदि कोई इस तरह के गरीब कमजोर तबके की और बीमार की मदद करना चाहता है ईश्वर के और अल्लाह के वास्ते, तो मैं आपको बता देता हूँ इनका ये मोबाइल नंबर है और कॉन्टेक्ट बैंक का अकाउंट नंबर है जो आपको डिस्प्ले पे अच्छी तरह से नजर आ रहा है, और उनका ये मोबाइल नंबर भी है, वास्तविकता आपके सामने है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं।